नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में उपचुनाव की रणभेरी के साथ सियासी अंधेरी दिखनी शुरू हो चुकी है। बगावत, प्रतिष्ठा, समर्थन, साझी संवेदना और शहमा सब कुछ हो चुका है। दोनों सीटों में बगावत सियासी आफत बन सकती है। वल्लभनगर में कांग्रेस से गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दिया तो गजेंद्र शक्तावत के भाई देवेंद्र शक्तावत ने बगावत की ताल ठोक दी। बीजेपी ने हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया तो भिंडर भिडंत को तैयार दिखाई दिए। यानी मुकाबला पहले अपनों को मनाने का है, फिर विरोधी को हराने का है। मुमकिन है कि विरोधी से ज्यादा अपनों के हाथों भी हार मिल सकती है। कुछ ऐसा ही हाल दरियावद का है। यहां बीजेपी ने खेत सिंह राठौड़ को टिकट दिया और परिवारवाद को बाय बाय कहा, लेकिन गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा ने अलग से ताल ठोक दी, नामांकन भर दिया और अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध में उतर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने लगातार चौथी बार नगराज मीणा को मैदान में उतार दिया, जबकि 2013 और 2018 का चुनाव गौतम लाल मीणा के हाथों वो हार चुके हैं। इस बार नगराज को दो फायदे हो सकते हैं, पहला बीजेपी की भीतरघात और दूसरा संवेदना प्लस पार्टी वाला डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है। तो वहीं कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में पिता के देहांत की संवेदना और फिर पार्टी से टिकट ना मिलने की संवेदना का डबल डोज दोनों पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि नामांकन से बगावत तक चुनावी रण में और क्या क्या देखने को मिल सकता है। की जाएगी आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद में, वह बड़ा स्वाभाविक है कि जिनको टिकट के बहुत सारे दावेदार हर पार्टी के अंदर होते हैं और जिसको टिकट नहीं मिलती है उसकी तरफ से कुछ विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन एक अनुशासित पार्टी के रूप में हम लोग अपने परिवार के सदस्य को मिलाकर के एक संगठित रूप से आने वाले उपचुनाव में। अनुशासन कौन सा? धरियावद में अलग से नामांकन दाखिल हुआ, वल्लभ नगर में अलग से नामांकन दाखिल हुआ, आप इसको अनुशासन मानते हैं? देखिए, नामांकन पहले से दाखिल हो चुके हैं, उसके बाद में बातचीत करके, अभी फाइनल डेट नहीं आई है, बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। और ये हर बार होता है विजेंद्र जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, चुनाव में बहुत सारे कार्यकर्ता, और हमारा यही स्ट्रांग पॉइंट है कि हमारे पास बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जब एलिजिबल हैं, टिकट तो एक को मिलेगी, और जब एक को सिंबल मिल चुका है तो बाकी बचे हुए लोगों को बात करके, मैं तो मानता हूं कि सैकड़ों होंगे, लेकिन उसके बाद बाकायदा लिस्ट बनी होगी ना,
उसको लेकर मंथन हुआ होगा, बोर्ड में मंथन हुआ होगा, फिर किसी एक नाम पर मोहर लगी होगी, उस मोहर को सबको ही मानता क्यों नहीं है? देखिए, जिस तरह की भी कंफ्यूजन्स हैं या कोई भी बात है, उस बारे में मैंने आपसे कहा कि हर बार इलेक्शंस के अंदर इस तरह की बात रहती है, उस बात को बैठ करके सभी नेता बात करेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूं आपको कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी नेतागण हैं, एक मुट्ठी होकर के इस चुनाव में लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। ज्योति खंडेलवाल जी, मैम ऐसी ही बगावत कांग्रेस के अंदर भी दिखाई दे रही है। प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा तो फिर देवेंद्र शक्तावत कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, मान ले कि मना लिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से विजेंद्र जी, ये बात तो तय है कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, जहाँ पर बड़े नेताओं के इंटरफेरेंस के बाद निश्चित रूप से वो मान भी जाएंगे और पार्टी बिल्कुल एकजुटता के साथ ही आगे आने वाला चुनाव जो है वो लड़ेगी। जहाँ तक बात आती है कि भाई ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है, तो ये तो एक तय बात है, आप खुद ही देखते हैं विजेंद्र जी, जब चुनावों में जब पैनल भी जाते हैं ऊपर, हम यूँ कहें संसदीय बोर्ड तक या आला कमान की मीटिंग तक या कोर कमेटी तक या CWC तक, तो वो तीन तीन नामों का पैनल जाता है, यानी ये तो मान करके चला, तीन तीन नामों का पैनल भी छांटा जाता है, यानी ये तो माना ही जाता है कि कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं भी होती है और जो काबिल भी होते हैं, सभी बातें होती है। लेकिन ये बात भी तय है कि किसी एक को ही टिकट मिलता है, और जब कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हमें टिकट नहीं मिला है तो हम जो है हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात को हम और जोर से प्रदर्शित करें, और एक यही कारण होता है मुझे लगता है आपसी बातचीत से इस जो मामला है वो बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे तो कांग्रेस का इंटरनल इशू कि किसको मैदान में उतारते हैं किसको नहीं उतारते हैं, लेकिन फिर भी जनता ये सवाल तो कर रही होगी कि जो 2013 में चुनाव हार गए, जो 2018 में चुनाव हार गए, उनको फिर से टिकट दिया गया, क्या कोई प्रत्याशी और मिला नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी ऐसा नहीं होता है, कई बार जीत हार के जो समीकरण होते हैं वो अलग होते हैं, और हारने की जहां तक हम बात करते हैं तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी नेता चुनाव हार सकता है, लेकिन उससे ये कहते हैं लेकिन मैम 10 साल जिसको जनता ने नकार दिया हो उसको आप एक बार फिर आगे ला रहे हो, क्या ये बताता नहीं कि कैंडिडेट की कमी है? मैं नगराज मीणा की बात कर रहा हूं, दरियावस से। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं बताता है कि कैंडिडेट की कमी है, बल्कि ये बताता है कि हमारे उस कैंडिडेट ने हारने के बाद भी जो है पार्टी के लिए काम किया है, जनता के बीच में जुड़ाव रहा है, जनता के बीच में उसका लगाव रहा है, जनता की समस्याओं के लिए वो लड़ते रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए ऐसा महसूस किया जाता है कि ठीक है चुनाव पिछली बार वो कुछ वोटों से हार गए, लेकिन इस बार चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और निश्चित रूप से जुटाऊ कैंडिडेट सबसे पहली चॉइस होती है किसी भी पार्टी के लिए, और उसी भावना के अनुरूप। वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, सिर्फ 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 2 सीटों पर भी अपनों को मनाया नहीं जा पा रहा, वो भी इधर उधर भाग रहे हैं और दोनों पार्टियों में भाग रहे हैं, तो फिर कैसे कहा जाए कि दोनों पार्टी जिस पैनल को लेकर बैठती है और जिस पर एक राय होती है, क्या वो एक राय जनता तक नहीं पहुंचती, उनके कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचती, उन नेताओं तक नहीं पहुंचती जो दावेदारी जताते हैं? देखिए विजेंद्र जी, जो भाजपा में हुआ है वो तो आज साफ हो गया कि मैडम वसुंधरा राजे की नहीं चली और गुलाबचंद कटारिया की चल निकली, बस और कुछ नहीं है। मैडम ने इसीलिए पिछले दिनों जो मीटिंग हुई उसमें पार्टिसिपेट किया था, और वो चाहती थी कि उनके दोनों खास थे, गौतम लाल मीणा स्वर्गीय विधायक भी मैडम के बहुत नज़दीक थे, और जो जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर हैं, जब भिंडर पर नहीं तो उनकी पत्नी दीपेंद्र कंवर को वो टिकट दिलाना चाहती थी, ये कड़वी सत्य है। लेकिन अब भाजपा में ये लगभग तय हो गया है कि वसुंधरा राजे जी के समर्थकों को किनारे लगाया जाएगा जी। ये एक तरफ इन्होंने देखिए 6 उपचुनाव हुए विजेंद्र जी, 6 उपचुनाव हुए, गुलाबचंद कटारिया नहीं थे, देखिए वो निकल गए थे। हाँ, वो निकल गए थे, उनको लग रहा था मेरी बात कटेगी, यही नेता की पहचान होती है कि अपने को अगर विरोध जताना है तो आप वहां से उठ के चले जाइए। यानी आपने 6 उपचुनाव हुए हैं, उनमें से एक महज बीजेपी जीती है, वो केवल संवेदना के आधार पर जो चुनाव था दीप्ति जो माहेश्वरी जी हैं राजसमंद से, और वहां की जो एमपी थी दिया कुमारी जी, उनकी जोर से जीते हैं जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब पहले प्रयोग में सफल रहे तो आपने गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैयालाल मीणा को टिकट क्यों नहीं दिया? केवल इसलिए कि वो मैडम के खास है। गौतम लाल मीणा, मैं आपको क्लियर कर दूं, वसुंधरा राजे के बहुत ही ज्यादा नजदीक थे जी, तो ऐसी सजा क्यों दी उनको?
किसी के पिताजी हो सकता है बेटे को। सर अगर आप ये कह रहे हैं कि गुलाबचंद कटारिया की चली तो ये भी तो सवाल उठता है ना कि उदयलाल डांगी को टिकट दिलाना चाहते थे वल्लभ नगर से, टिकट तो नहीं मिला। देखिए एक नेता की इतनी चलती है तो फिर वो निर्दलीय अपने प्रत्याशी से कैसे भरवा सकते हैं। उदयलाल डांगी को टिकट नहीं मिला, जिनको दूसरे को मिला है वो दूसरे खेमे के नजदीक है, आपके माननीय पुनिया जी और जो ऊपर उनकी दिल्ली में बहुत अच्छी सेटिंग है, जिन्हें जो टिकट मिला है वो दिल्ली से मिला है जी। डांगी जी को टिकट कटने के पीछे कारण है कि जिन्हें मिला है हिम्मत सिंह जी, उनका दिल्ली में बहुत अच्छा रिलेशन है और हमें जल शक्ति मंत्री का बहुत अहम योगदान रहा है। लेकिन मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ सर, देखिए गुलाबचंद कटारिया से थोड़ी ना दिल्ली के खिलाफ चले जाएंगे, उन्होंने दोनों दलों के हालात भरवा दिया होगा। विजेंद्र जी दोनों दलों के हालात एक हो गए, अब व्यक्ति पूजा शुरू हो गई है, अब पार्टी के प्रति निष्ठा ने तो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में नहीं है ना बीजेपी में रही है, बातें यहाँ बैठ कर हम बड़ी बड़ी कर ले, दोनों पर्टिकुलर मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, मेरे जिस हांडी में मेरा सिर नहीं वो फूट जाए तो ठीक है जी। ये दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में ये मैं सर एक स्पष्ट तौर पर आपसे जानना चाहता हूं बतौर राजनीतिक विश्लेषक कि अगर उदयलाल डांगी जी अगर वहां पर्चा वापस नहीं लेते हैं जी और चुनाव लड़ते हैं जी तो क्या गुलाबचंद कटारिया की हार नहीं होगी? देखिए गुलाबचंद कटारिया की हार होगी या नहीं होगी, बिंडर या बिंडर की वाइफ को जीत मिल जाएगी। अगर उदयलाल डांगी को चुनाव लड़ाया जा रहा है तो ये आप मान के चलिए इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। उदयलाल डांगी अगर फार्म वापस नहीं लेते हैं तो भाजपा के लिए ये तय मानना कि जो वल्लभ नगर सीट है वो उनके हाथ से जा चुकी है, पहले भी गई हुई थी क्योंकि कांग्रेस के थे वहां, और प्रीति सक्तावत जी के लिए भी वहां बहुत प्रॉब्लम है कि वो देवेंद्र जी ने नई पार्टी का गठन कर दिया है, उधर कन्हैयालाल मीणा जी के घर पर लोग उमड़ रहे हैं जो गौतम लाल मीणा जी के, तो दोनों पार्टियां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीजेपी के लिए क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, 2.5 साल से पिछले कार्यकाल में जब उपचुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस जीतने लग गई थी तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। अगर ये दोनों उपचुनाव बीजेपी हार जाती है तो जो बातें कर रहे हैं सतीश पूनिया जी ने कहा कि टेम्पो सवारी जीत के आएगी कांग्रेस, उस पर सवाल या निशान लग जाएगा। इसलिए ये सतीश पूनिया जी का लिटमस टेस्ट है कि जो अशोक गहलोत की सरकार के प्रति 2.5 साल का असंतोष है वो लॉन्च होता है या नहीं, ये लिटमस टेस्ट है। खासियत ये है कि जो भी चुनाव हो रहा होता है वो लिटमस टेस्ट की तरह ही हो रहा होता है। राखी राठौड़ जी, एक तरफ गुलाबचंद कटारिया के कहने पर या उनके समर्थक को धरियावा से टिकट दिया जाता है और जो परिवार जीतता आ रहा था और जहां लग रहा था कि संवेदनाओं के दम पर जीत जाएंगे, बीता चुनाव देखा है, वहां आपने गुलाबचंद कटारिया के कहने पर टिकट दे दिया या उनके समर्थन को दे दिया, वल्लभ नगर में एकदम रिवर्स वो करते हैं, तो ये किस तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी के अंदर ही चल रही है? देखिए विजेंद्र जी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है। जहां तक आप धरियावाद की बात कर रहे थे वहां पे खेत सिंह मीणा जी जो है वो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे, 1980 से पार्टी से जुड़े रहे, एक छोटे से पद पंच के पद से शुरू करके मंडल अध्यक्ष एसटी मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपना पहचान बनाई, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो इस तरह के एक छोटे लेवल के कार्यकर्ता जिसने बिल्कुल कई सालों से पार्टी को सर्व कर रहे हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो एक बहुत अच्छा संदेश सभी हमारे लोग बताइए। अगर कन्हैयालाल मीणा वहां से जीत जाते हैं तो कहिए कि बीजेपी ऑफिस नहीं होंगे, वो 6 साल के लिए निष्कासित होंगे, पार्टी से बाहर ही रहेंगे, फिर ये नहीं कहेंगे कि परिवार का सदस्य हमारे साथ आ गए हैं वापस। देखिए विजेंद्र जी हमारी पार्टी उस क्षेत्र के अंदर एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है अपने संगठन के बूते पर, और जो कांग्रेस सरकार की राजस्थान के अंदर नाकामियां हैं उसके बूते पर हमारा कैंडिडेट निश्चित तौर पर जीतेगा, इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि उनके अलावा कोई भी कैंडिडेट वहां पर जीतेगा। एक छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और उसके विजय के लिए संगठन का हर एक आदमी लगातार प्रयास करेगा और हमारी जीत निश्चित होगी। मैंने एक सवाल एक कदम आगे किया था मैम, ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी ऑफिस में माला पहनाई जाएगी बुलाकर अगर जीत गए तो, अगर कन्हैयालाल मीणा जीत गए ऐसा तो नहीं होगा ना? उस सवाल का जवाब देना मैं सही नहीं समझती हूँ, जो हो ही नहीं सकता। सवाल का जवाब मैं आपसे दूंगा, ज्योति खंडेलवाल जी, हम जीतेंगे। ज्योति खंडेलवाल जी धरियावद के अंदर पहले से ही बैटिंग कर रहे हैं मैम, बीते महीने के अंदर ही बाकायदा आपने कईयों को बीजेपी के जो अच्छे नेता थे उनको कांग्रेस ज्वाइन करा चुके हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए वहां मुश्किल हो गया, थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया है क्योंकि संवेदना प्लस पार्टी ये जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है वो वहां टूट गया है?
नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम धैर्यवाद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतेगी, क्योंकि बीजेपी में तो वहां पे वैसे ही बहुत ज़्यादा असंतोष और बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा खिलाफत की भावना जो है वो देखने को मिल रही है। और पिछले दिनों में हमने देखा भी कि वहां पर कांग्रेस के समर्थन में न केवल बीजेपी के नेतागण बल्कि आमजन की भी अगर भावना को देखा जा रहा है तो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। और इसीलिए हम बहुत यूँ कहें कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इस बार उपचुनावों में दोनों सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास ही जाने वाली है। और जो बीजेपी है जो सपने संजो रही है बार बार कि हाँ आप तो सही बोल रहे थे अभी आपकी ढाई साल के बाद का समय है, अब उपचुनाव इनको जीतना चाहिए तब आगे की भूमिका तय होती है, लेकिन बीजेपी की इस बार की आगे की भूमिका बिल्कुल नगण्य है और यहीं से ही वो हार का जो सिलसिला है वही आगे बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही आएगी। और बीजेपी जैसे असंतोष है, जैसे अभी आपने कहा वसुंधरा राजे जी का गुट है, सतीश पुनिया जी का गुट है, गुलाब कटारिया जी का गुट है और उन गुटों में आपस में सही बात है कि एक नेता एक जगह अपने में समर्थक को टिकट दिलाता है। ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, प्रीति शक्तावत के बारे में थोड़ा बताइए, उनका राजनीतिक करियर थोड़ा बताइए मैम। टिकट देने का एक पैरामीटर होता है तो वो मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा बता दीजिए कि राजनीतिक करियर क्या है। नहीं देखिए, इसमें कोई बात नहीं है कि एक उस नेता के परिवार से टिकट दे जिसने बहुत सालों तक पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी के लिए काम करने के बाद पार्टी ने तय किया है कि हाँ निश्चित रूप से उस परिवार को जो इतने समय से जनता से जुड़ा हुआ रहा है उसको टिकट मिलना चाहिए। तो और ये मुझे नहीं लगता नहीं कि कोई गलत चीज भी है, तो निश्चित रूप से उसी बात के अनुरूप टिकट दिया गया है। जहां तक बात दूसरी देवेंद्र जी की आ रही है तो आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में अभी जल्दी एक आध दिन में ही हम निश्चित रूप से उन्हें भी मना लेंगे, परिवार के सदस्य हैं वो, परिवार के सदस्य के रूप में ही उनको मना भी लिया जाए। ठीक है, मिथिलेश जैमिनी जी, सर कन्हैया मीणा, आपको संभावनाएं कितनी नजर आती है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, एक तरफ पार्टी से अलग वो लड़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके तरफ दो संवेदनाएं हो सकती है, एक पिता की संवेदना और एक पार्टी से इतर होकर चुनाव लड़ने की संवेदना, आपको लगता है कि दोनों एक्सपेक्टर के तौर पर काम कर सकती है? देखिए विजेंद्र जी, एक्सपेक्टर के तौर पे काम करेगी या नहीं करेगी ये तो रिजल्ट बताएगा 2 नवंबर को, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कन्हैयालाल मीणा काफ़ी टाइम से एक्टिव थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी और एंड टाइम पर उनका टिकट कटा है। अब जनता किसी को भी घर बैठा सकती है, जैसे सचिन पायलट जी ने कहा कि आप एक उम्र तक किसी सीट से चिपके मत रहिए, जनता कभी भी किसी को ठिकाने लगा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए वल्लभ नगर में एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह सहाड़ा में उन्होंने भाभी देवर को मना लिया था, क्या ये जेठ बहू को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, ये कांग्रेस के लिए अहम चुनौती है। उस समय धर्मेंद्र राठौर ट्रबल शूटर साबित हुए थे, अब क्या प्रताप सिंह काछरियावास जो कांग्रेस के बहुत मुखर चेहरे हैं, राजनीतिक रूप से वो संभालने में काबिल है, उनका भी एक परीक्षण है, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास सहाड़ा की तरह वल्लभ नगर में भी जेठ और बहू को एक मंच पर ले आते हैं, क्योंकि सहाड़ा में जो ही देवर भाभी एक साथ आए एक रिकॉर्ड जीत गायत्री त्रिवेदी ने हासिल की, तो क्या प्रीति शक्तावत एक नया रिकॉर्ड रचेगी, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। फिर दूसरा, सचिन पायलट खेमा चाहेगा कि प्रीति शक्तावत जीत जाए, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह जी थे वो बहुत बंटी बना बहुत नज़दीक थे सचिन पायलट के दिल के बहुत करीब थे, तो सचिन पायलट भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, अगर जेठ बहू को एक साथ कर सकते हैं तो जो उनकी परंपरागत सीट है जिस पर वो जीते थे वो रिपीट हो सकते हैं। लेकिन भाजपा के लिए धैर्यवाद में एक नई चुनौती पैदा हो गई है, अब उसके राजनीतिक कारण होंगे, उसके आर्थिक कारण होंगे, कई कारण मायने होते हैं, अब दोनों पार्टियों में एक जैसा हो गया, अब सिद्धांतों की बात यहाँ होगी। लेकिन चुनौती तो आपको वल्लभ नगर में भी दिखाई दे रही होगी सर, एक तरफ तो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जो वहां हिम्मत सिंह झाला को जिताना चाह रहे होंगे, दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया के कार्यकर्ता होंगे जो वहां उदयलाल डांगी को जिताना चाह रहे होंगे, और तीसरी तरफ वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता होंगे जो भिंडर की जीत के लिए लग रहे होंगे, आपको लगता नहीं कि ये सब कुछ इस तरीके से चल रहा होगा? देखिए, अब मैडम का जो गुट है जिसमें रोहिता शर्मा है, प्रताप सिंह सिंघवी है, वो निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि दोनों सीटें भाजपा हार जाए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब सतीश पुनिया जी के लिए एक बहुत अहम चुनौती है, और जो मेवाड़ के सबसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं इनके, जिन्होंने महाराणा प्रताप और भगवान राम पर टिप्पणी की, उसमें जो जीत का अंतर घटाया राजसमंद में, क्या आप करिश्मा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? ये गुलाबचंद कटारिया जी के लिए भी अहम चुनौती है,
कि वो उस गढ़ के नेता माने जाते हैं और लंबे समय से राजनीति का अनुभव रखते हैं। क्या आज भी वो लोगों के दिलों में वही राज कर रहे हैं, या केसरिया बाना जो मेवाड़ में बहुत तगड़ा माना जाता है, पैरामीटर क्या होगा उसका? पैरामीटर ये थोड़ी ना है कि हिम्मत सिंह झालागढ़ जीत गए तो गुलाबचंद कटारिया वहां बहुत बड़े नेता हो गए। देखिए, अगर है कि वो अपनी टीम को एक्टिव करे उदयलाल डांगी के लिए। देखिए, जो निश्चित रूप से जो हालात हैं वहाँ, वो कहीं ना कहीं जो गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति जो सहानुभूति की लहर है, ये मानव स्वभाव है। हिंदुस्तान वालों का इमोशनल क्वोशेंट बहुत हावी होता है, ये रिसर्च में भी आ चुका है। हिंदुस्तानी लोग इमोशन से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई तो आप रिजल्ट देख लीजिए, इंदिरा जी की डेथ हुई तो रिजल्ट देख लीजिए, अभी जो दोनों जीते हैं मनोज को देख लीजिए, मेघवाल को, गायत्री जी को देख लीजिए, दीप्ति माहेश्वरी जी को देख लीजिए। हिंदुस्तानियों की एक मजबूरी होती है कि वो किसी वेव पर चल जाएं, लेकिन आखिरी में सोचते हैं कि हमारा लाडला गया है, एक बार तो उसका कर्ज उतार दो। तो ये हिंदुस्तानियों की मानसिकता है और इस मानसिकता को भाजपा धरियावद में नहीं बुना चुकी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जी, राखी राठौड़ जी, धरियावद क्योंकि 10 सालों से बीजेपी के पास था, अगर इस गलती की वजह से, हालांकि आपकी तरफ से रणनीति होगी, लेकिन अगर इस रणनीति की वजह से भी अगर ये सीट हाथ से छिटकती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सीट छिटकने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को खड़ा करके पार्टी एक बहुत बड़ा संदेश सभी कार्यकर्ताओं के बीच में दे रही है। कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमारी जीत को सुनिश्चित करेगा। लेकिन देखिए विजेंद्र जी, आपने ज्योति खंडेलवाल जी की बात सुनी, उनसे जब पूछा गया कि जीत का आधार क्या है तो उन्होंने अपनी बात नहीं की। जब भी कोई पार्टी सरकार में होती है तो वो जनरली अपनी विशेषताएं, अपने क्वालिटीज और अपनी उपलब्धियां बताती है कि हमने ये किया अपने टेन्योर के अंदर, इसीलिए जनता हमको देगी। वो क्या बात कर रहे हैं, भाजपा के अंदर फूट है। भाई आप तो बताइए, आप कोई तो ऐसा बात बताइए जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, मुझे प्रोग्राम वैसे भी क्लोज करना है, आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए किन मुद्दों पर चुनाव में वोट मांगा जाएगा, दोनों सीट पर बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस वादे के साथ में कांग्रेस सरकार यहां पे राजस्थान की आई थी, उन सभी वादों को 1 से 10 तक की गिनती विजेंद्र जी आपने भी सुनी थी, मैंने भी सुनी थी, और नौकरियों में जिस तरह की धांधली सुनी गई थी, मैम विभाग में जिस तरह काम किया गया, अगर आप अभी भी कंपेयर करेंगे तो 2.5 साल के हमारे टेन्योर के जो रोजगार है वो उनसे ज्यादा है। आप अभी भी अभी भी करता हूं कि जब पेट्रोल के दिखते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100-110 क्रॉस कर गए हैं। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर है कि नहीं, सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है कि नहीं, रसोई गैस 1000 का सिलेंडर हो गया। शिक्षा विभाग में घोटाला, नाथीकावाड़ा वाला स्टेटमेंट जो है वो जनता के बीच में, परिवहन विभाग में घोटाला, स्वास्थ्य अभी मेडिकल, जबकि देखा जाए तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत थी अच्छी तरह से काम करने की उस विभाग को, उस विभाग में भी कॉन्सेंट्रेटर में, इंजेक्शन में, दवाइयों में घोटाले हुए। ये सब घोटाले जनता के सामने है आपके पास, और इसी मुद्दे पर आकर के जनता पार्टी को वोट देगी, ना कि कांग्रेस जैसी निकम्मी नकारा सरकार को वोट देगी। वो सरकार जिसको प्रधानमंत्री अप्रिशिएट करते हैं, फिर तीसरी सीट पर जो आप जीत कर आए उसमें मार्जिन बहुत कम हो गया था। देखिए जीत, आप जानते हैं कि पिछली बार जो जीत हुई उसमें सरकारी तंत्र का पूरी तरह से उपयोग है। अभी भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी 18 महीने बाद में कल जाएंगे नामांकन भरने के लिए। ये ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो ठीक है। देखिए विजेंद्र जी, आप ही बताइए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया विजेंद्र जी 18 महीने से? आपने 18 महीने से मुख्यमंत्री जी को देखा क्या? इस बार क्या कुछ रहने वाले सर? चुनाव तो 2 ही सीटों पर है, आपको लग रहा है कि केंद्र ही निशाने पर रहेगी या फिर केंद्र की नीति ही निशाने पर रहेगी? विजेंद्र जी, जो अशोक गहलोत ने एक मास्टर कार्ड खेला है, जो गरीबों को पट्टा बांट रहे हैं, प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग, अगर इस अभियान में ईमानदारी से अधिकारियों ने काम कर लिया तो भाजपा के लिए बहुत चुनौती है। लेकिन दोनों जिलों में तो सर पट्टे बटी नहीं रहे। जैमी जी से पूछना चाहूंगे, ईमानदारी तो मुश्किल है सरकार में, पट्टे ही नहीं बट रहे हैं सर। देखिए पट्टे बट रहे हैं लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जा रहा है। अगर इस मास्टर कार्ड, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया सर? थोड़ा सा करेक्ट यहां कर दूं, जिन जिलों के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं वहां तो पहले से ही रोक लगी है कि अभियान नहीं चलेगा। वो चल रहा है लेकिन पूरी पब्लिक का मैसेज जाता है
जो अशोक गहलोत ने कोरोना काल में जो मेडिकल में काम किया उसका पॉजिटिव मैसेज गया पंचायत चुनाव में, आपने रिजल्ट देखे। अभी पंचायत चुनाव और है, बैरोड में है, उधर अलवर में है, वहां क्या होता है उसका। तीसरा एक फैक्टर बीटी, जो बीटीपी पार्टी है उसका भी एक फैक्टर प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं, दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। और तीसरा एक फैक्टर जिसने दो तीनों उपचुनाव में अपना रंग दिखाया वो आरएलपी है। आरएलपी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बल्लभ नगर सीट गए हुए हैं, वहां उनके कुछ समर्थक बहुत बड़ी संख्या में है। अगर वो भी टर्निंग पॉइंट में शामिल होते हैं तो कई मोर्चों पर भाजपा को चुनाव लड़नी है। लेकिन निश्चित रूप से अगर दोनों सीटें बीजेपी जीत जाती है तो ये बीजेपी के लिए सबसे सुनहरी गिफ्ट होगी दिवाली से पहले। अगर दिवाली से पहले दोनों सीटें जीत गई तो सतीश पुनिया की बल्ले बल्ले मैं दावे से कह रहा हूं, अगर सतीश पुनिया जी के लिए ये दिवाली सबसे सुखद दिवाली होगी, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए उनमें सतीश पुनिया जी के बता दीजिए सर, हार गए तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में अगला चुनाव किसी महिला के नेतृत्व में होगा। दो महिलाएं उसमें प्रमुख मानी जा सकती है, दोनों महारानियां हैं। मैं नाम या कहना नहीं चाहूंगा कि अगला जो दावेदार होगा फिर दोनों महारानी होगी। ये दिवाली सतीश पुनिया जी के भविष्य को निर्धारित करने वाली है। ज्योति खंडेलवाल जी, कई बार दिवाली हमने देखी है और कहते भी हैं कि कई दिवाली देख चुके हैं, इस बार की दिवाली कांग्रेस देखने वाली है या बीजेपी? निश्चित रूप से विजेंद्र जी, अभी राखी राठौड़ जी बड़े सवाल कर रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस अपने काम तो बताया, हम काम गिनाने लगे थे ना राखी जी, तो आपको बिजली सुनने में बड़ी परेशानी होने लग जाएगी, क्योंकि जो कोरोना के समय भी सरकारी नौकरियां दे रही है, केंद्र की सरकार की तरह नहीं है, लेकिन कोरोना के समय कहीं पे नौकरियां मिली है तो वो राजस्थान की सरकार है जो कोशिश कर रही है लगातार कि लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान का विकास से एक योजना पूछ लो, ज्योति जी से एक योजना पूछ लो जो सरकार ने सक्सेसफुल कर ली हो। ढाई साल में मैं चैलेंज करती हूं कि एक योजना बताएं आप करके लोगों की, राजस्थान भी सरकार ने सक्सेसफुल राजस्थान की प्रदेश की जनता को दिया, आप एक योजना का बात बताइए, ऐसे ऊपर ऊपर बातें नहीं कीजिए। ठीक है, एक योजना बताइए ज्योति जी। ज्योति खंडेलवाल जी, मेरे पास सिर्फ एक मिनट बचा है, मैम ये बताइए कि जितने भी नाराज नेता हैं आपके, जितने भी नाराज नेता हैं आपके, क्या कल की तारीख में उनको मना लिया जाएगा? मना लिया जाएगा विजेंद्र जी, जितने भी नाराज नेता, मैं जितने भी की तो बात ही नहीं है, कुछ एक आध जो बात है निश्चित रूप से चर्चा और बातचीत होगी, उन्हें मना लिया जाएगा। ज्योति खंडेलवाल जी, राखी राठौड़ जो भी नाराज है, वल्लभ नगर में नाराजगी है, अलग तरीके की सियासत चल रही है, धरियावद में एक अलग तरीके की सियासत चल रही है, मानकर चले कि कल की तारीख में जो भी नाराज है उनको किसी भी तरीके से बीजेपी किसी भी तरीके से मनाने में एक्सपर्ट है, मना लेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे मनाएगी, और मनाने के साथ में आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में वो सभी लोग जो हैं वो चुनाव में हमारे कैंडिडेट के साथ लगेंगे भी, और ये बात भी आप लोग जनता राजस्थान की देखेगी कि किस तरह से हम लोगों ने इन दोनों चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे। मिथिलेश जी, फाइनल कमेंट, दोनों ही सीटों पर त्रिकोणीय या चौकोणीय मुकाबला रहेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला? देखिए, सीधा मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस में रहेगा, लेकिन ये अगर भिंडर वाला फैक्टर काम करता है या उदयलाल डांगी वाला फैक्टर काम करता है तो वल्लभ नगर में त्रिकोण हो सकता है, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा के ये मनाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने पिताजी के गम से अभी उभरे नहीं हैं, तो उन्हें इस दुहाई पर कि आपको अगले मौका दे दिया जाएगा, आप यंग हो, ये बीजेपी के पुराने फंडा है, उनमें वो बातों में आ सकते हैं और वो वहाँ पर सीधी फाइट हो सकती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी राठौड़ जी, आपका भी शुक्रिया, ज्योति खंडेलवाल जी आपका भी, और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। अभी 30 अक्टूबर तक यही सब चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से नामांकन हुआ, बगावत सामने आई, नाराजगी सामने आई, दोनों ही पार्टियां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और दूसरों को हराने, विरोधी को हराने से पहले अपनों को मनाना बेहद जरूरी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।